बबूता पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर इशू हुआ, एक 4 साल की बच्ची द्वारकापुरी कॉलोनी फुटपाथ पे जो पाई गई था वो लड़की का लाश था। इसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पिछले 10 दिन में काफ़ी सीसी फुटेजेस वेरीफाई करे और काफ़ी ऑटो ड्राइवर जितने भी लोकल इंफॉर्मेंस सबको वेरीफाई करने के बाद ये आज केस डिटेक्ट हुआ। इसमें डिटेक्ट होने के बाद इसके डिटेल इस तरह है, ये जो लड़की 4 साल की लड़की मर गई उसका नाम महक है, निरंजन, उसका लड़की का नाम महक है, 4 साल की लड़की है। उसको उसके माँ बाप दोनों भी हाफिज स्टेट के रहने वाले हैं। माँ का नाम है हिना बेगम, 22 साल की है। उसका फादर मोहम्मद अहमद है, 28 साल का है। अभी फिलहाल मोहम्मद अहमद जो ये लड़की का फादर है वो जेल में है, तो किसी प्रॉपर्टी ऑफेंस के सिलसिले में। तो पिछले 5 से 6 महीने से ये हिना बेगम दूसरे एक आदमी के साथ उनका रिश्ता हुआ, ये शेख मोहम्मद फादर है अलियास रिजवान, 25 साल का आदमी है। ये दो लोग एक टॉडी कंपाउंड में मुलाकात हुआ इनका, उसके बाद में ये लोग रिलेशनशिप मेंटेन करे। साथ में ये लोग कई सिटीज घूमे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, तरह तरह के जगह, इस तरह के बाहर हैदराबाद से बाहर बड़े शहरों में जाके लोग भीख मांगते थे। दोनों ये हिना और जो फादर है ये दो लोग और ये दो बच्चों के साथ, एक का नाम है बड़े लड़के का नाम है अफान, 7 साल का है, और ये जो अभी लड़की मर गई उनका नाम महक है, 4 साल। ये दो बच्चे और ये दोनों लोग, ये लोग डिफरेंट प्लेसेस में भीख मांगते थे। थर्ड तारीख को, मतलब 3 तारीख को, इस महीने 3 तारीख को ये लोग एक लॉज में बैंगलोर में, उससे पहले एक हफ्ते से भीख मांगते थे बैंगलोर में, 3 तारीख को बैंगलोर एक लॉज में सवेरे ये लड़की को फिर मारे। पहले भी इसी तरह से मारते थे लड़की के ऊपर जुल्म करते थे, क्योंकि ये बात नहीं मानती थी माँ की और भीख मांगने ये राजी नहीं होती। 3 तारीख को भी इसी तरह उसको सवेरे मारने के बाद वो लोग बच्ची बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद वो लड़की को फिर हैदराबाद के बस में एक प्राइवेट ट्रैवल्स में बैंगलोर से हैदराबाद को लेके आए। बीच में रास्ते में इनको ये हो गया, तय हो गया कि लड़की मर गई। उसके बाद में फिर हैदराबाद में बस उतरने के बाद उन्होंने ये बच्ची को लाश कहीं ना कहीं उसको डिस्पोज करने का इरादा था उनको, तो निम्स के हॉस्पिटल के पास में कहीं करे तो ट्रीटमेंट मिलता या नहीं तो फिर पुलिस वाले आइडेंटिफाई करके उसको बॉडी डिस्पोज करते सोच के ये हैदराबाद द्वारकापुरी कॉलोनी निम्स हॉस्पिटल के करीब डिस्पोज करने के उनका ये उम्मीद इंटेंशन था और वहाँ पे बॉडी को रख के चले गए। 10 दिन में ये लोग फिर जयपुर, बैंगलोर, फिर तरह तरह के जगह घूमे। इनको पूरा ट्रैक करने के बाद, आइडेंटिफाई करे इनको करने के बाद, आज उनको हैदराबाद में दोनों लोगों को अरेस्ट करके आज उनको रिमांड करें, फिर उनको पुलिस कस्टडी में लेके फिर उनका फर्दर इंक्वायरी करेंगे। नहीं, दो इनके इनके ये जो हिना बेगम थे, तीन बच्चे हैं। एक तो 7 साल का अफान इन्हीं के साथ है, एक छोटी लड़की है 3 साल की, वो उनके पेरेंट्स के पास, हिना के पेरेंट्स के पास। बच्चा उनके पास ही है, बच्चा इनके पास ही है, अभी उनके हवाले करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। पूरा बेगिंग कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, बेगिंग करना पीना, ये पूरे क्या सेंधी पी के पूरा इनका हालत भी बिगड़ गया। नहीं, बेगिंग सिर्फ बेगिंग नहीं करने की वजह से नहीं, ये जो इनका रिश्ता था ये दोनों के बीच में,